हेलो गाइस, हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग को समझदार होने के लिए, आप लोग को प्यार होने के लिए। तो हम लोग बोलेगा बचन में ऐसे बोला है कि आप लोग को प्यार रहो और अच्छे से पढ़ो और अच्छे फोन मत देखो। आप लोग को तो कभी कभी फोन देखना मिलता है, गेम खेलने मिलता है, टीवी देखने मिलता है, उसमें आप लोग को ना हम लोग के लिए ना डील जीतना पड़ेगा, पूरा पैसा कमाना पड़ेगा। तो आप लोग पैसा नहीं कमेगा तो घर कैसे बनेगा बोलो? हम लोग को घर बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो स्कूल में हम लोग पैसा फीस देते हैं ना, तो उसमें हो जाएगा, उसे पैसा दे दो। हाँ, तो बाइबल में ऐसा लिखा कि जो नहीं पढ़ते, जो मम्मी पापा का बात नहीं सुनते, जो अच्छे से ज्ञान नहीं रखते, जो अच्छे से ज्ञान नहीं लगता उसको बोलते हैं पापी इंसान। उसके बाद जब हम लोग जो आप लोग को ना मम्मी जो ना पाल पुस के बरा के ऐसे जन्म नहीं दे, स्वरूप पाल पुस के बरा के चलना सिखाया है, हो लोग तो क्या है ना हाथ दिया है, पैर दिया है, मम्मी का वो होता है। जीसू भी तो काम करता है, जीसू को आप पढ़ना करो तो हम लोग को पढ़ना करना चाहिए, हम पढ़ना करते हैं तो आप लोग को पढ़ना करना नहीं चाहिए। आप लोग को जीसू को मानना है क्योंकि ये हम लोग का ऐसे 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 मानने की है, मैं अरे ये तो मेरा भगवान है ऐसे करके मांगना है। तो ऐसे नहीं, आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं सोचेगा कि आप अच्छा इंसान है क्या आप खराब इंसान है। तब खराब इंसान से पापी इंसान, तो अच्छा इंसान से बहुत अच्छा इंसान मैम। तो आपको पाल पुस के भरा के और चलना सिखाया और बैठना सिखाया और हाथ भी दिए, पैर भी दिए, माथा भी दिए, आंग भी दिए, ये सब जीसू और आपका मम्मी का कदम, पापा और यानी मुर्गिया कदम। तो आप ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को मम्मी को मरा दो, पापा को हम लोग मरेगा, तो तुम भी मराओ हम भी मरेगा, तो इससे क्यों बोलते हैं? तो पाल पुस के बरा के तो बोलना नहीं चाहिए ना। तो ना तो आपको ऐसे समझना है कि आपको इतना पाल पुस के बरा के आप लोग इसका ख्याल भी नहीं रखते, आप लोग इसका ध्यान भी नहीं रखते, आप लोग इसको मारा